हेलो चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू चैप्टर इन इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर वन डेवलपमेंट डेवलपमेंट मतलब क्या होता है डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रगति तो द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस है ना प्रोग्रेस मतलब क्या हुआ ये प्रोग्रेस जो है हमारे साथ हमेशा हमेशा से रहा है तभी तो आज हम इस Uh, इतने एडवांस्ड हो गए हैं वी हैव एस्परेशन और डिज़ायर्स हमारी इच्छाएं होती हैं डिज़ायर्स होते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं कैसे रहना चाहते हैं लिव करना चाहते हैं सिमिलरली वी हैव आइडियाज आइडियाज़ भी हैं कि हमारी कंट्री को कैसा होना चाहिए सो वॉट आर देंशियल थिंग्स डेट वी रिक्वायर कैन लाइफ भी बेटर फॉर ऑल क्या हम इसे बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं हाउ शुड पीपल गेट टुगेदर लोगों को कैसे मिलकर रहना चाहिए कैन देयर बी मोर इक्वालिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्व तो डेवलपमेंट ये सभी क्वेश्चन इनमें आते हैं एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टूगेदर अचीविंग दीज गोल्स दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क मतलब ये एक जटिल टास्क है और इस चैप्टर में हम लोग यही समझेंगे कि वॉट डू यू मीन बाई डेवलपमेंट what डेवलपमेंट प्रोसेस डेवलपमेंट promises डिफरेंट पीपल डिफरेंट goals तो अक्सर देखा होगा जब पॉलिटिकल, जब हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो क्या प्रॉमिस किया जाता है क्या प्रॉमिस करती हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कि हम डैम बनवा देंगे ब्रिजेस बनवाएंगे, सड़कों को बेहतर करेंगे लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का अच्छा होगा हम बिजली सस्ती कर देंगे वाटर फ्री कर देंगे वाटर टैक्स नहीं देना पड़ेगा सिमिलरली मैनी थिंग्स तो लोगों को लगता है कि यही डेवलपमेंट है तो यू कैन सी डेवलपमेंट मतलब हो सकता है प्रोमिसज हो अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट गोल्स होते हैं वॉट इज़ डेवलपमेंट जैसे एक रिक्शा पुलर है दिन भर वो एक किराए का रिक्शा चलाता है धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करता है एक अपना रिक्शा खरीद लेता है और फिर वो रिक्शा चलाने लगता है तो उसके लिए डेवलपमेंट वही है कि वो अपना एक रिक्शा खरीद पाया और वो चलाने लगा नेक्स्ट यू कैन सी अ टेबल हियर नेक्स्ट यू कैन सी अ टेबल हियर इन विच विच यू हैव टू फिल योर सेल्फ फर्स्ट टू आर फिल फॉर यू फॉर एग्ज़ाम्पल लैंडलेस रूरल लेबरर्स के लिए क्या है डेवलपमेंट क्या है उनके लिए डेवलपमेंट मोर डेज ऑफ वर्क बेटर वेजेस लोकल स्कूल में वो अपने बच्चों को भेज सकें और उनके साथ कोई भी सोशल डिस्क्रमिनेशन नहीं हो मतलब क्या हुआ कि कोई भी उनसे जाति के हिसाब से भेदभाव ना करे और वो भी लीडर्स बन सकें फर्दर प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब मतलब जो रिच फार्मर्स हैं पंजाब में उनके लिए क्या हो सकता है डेवलपमेंट uh, का मतलब कि फ़ैमिली इनकम बहुत ज़्यादा हो जाए और वो उनको उनके क्रॉप्स अच्छे प्राइसिस पे बिकें हार्ड वर्किंग चीप लेबरर्स मिले उन्हें और उसके बाद साथ साथ उनके बच्चे विदेश में जाके पढ़ें और सेटल हो जाएं। सो यू हैव टू फिल अप द होल ऑफ़ द टेबल इट इन योर कॉपी एंड थिंक फॉर योर कि किसके लिए क्या हो सकता है डेवलपमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ मतलब क्या हुआ शहर का एक ऐसा जवान बच्चा जवान लड़का जो अनएम्प्लॉयड है पढ़ा लिखा तो है लेकिन क्या है ये मेंशन नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं लेकिन वो ही इज ग्रोन अप 18 से अबव है और अर्बन है शहर का है तो अनएम्प्लॉयड है तो उसका मत, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका उसके लिए डेवलपमेंट क्या हुआ कि उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए या डेली वेजेस पे कहीं उसको अच्छे से काम मिले ताकि वो पैसा कमा सके अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए नेक्स्ट हैविंग फील द टेबल अस नो एंडसन हैव सेम नोशन क्या सबके एक ही से नोशन है डेवलपमेंट के नहीं क्या है दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम तो हर व्यक्ति का डेवलपमेंट मतलब अलग बात है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जीतने के लिए क्या कहती हैं कि हम डैम बनवाएंगे लेकिन क्या आपको पता है कि डैम बनाने के लिए पाँच छः सात गांव जो हैं वो पूरे उसके अंडर में आ जाएंगे जो ज़मीन चुनी जाएगी जो लोग वहां पे होंगे उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा तो ये क्या है कौन कैसे लोग हैं ये हमारे गरीब किसान हैं या रिच लोग भी हैं जो इस एरिया में रहते हैं उनको सबको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा तो डैम बनाने का मतलब बहुत लोगों के लिए तो कैनाल्स और अच्छा पानी इरिगेशन फॉर द फील्ड्स लेकिन सा, वो उन सात आठ गाँव के लोगों के लिए क्या है डिस्प्लेसमेंट मतलब उनका घर बार ले लिया जाएगा और गवर्नमेंट उनको दूसरी जगह जमीन देगी जहाँ उनका बसा बसाया धंधा है घर है वो उनसे ले लिया जाएगा और उनको नई जगह सेटल होना पड़ेगा तो एक के लिए तो वो डेवलपमेंट हुआ और दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं हुआ वो बैक वो थर्टी इयर्स फोर्टी इयर्स बैक चले जाएंगे वो सात आठ गांव के लोग सो यू हैव टू रीड द लेसन वेरी नाइसली तो देखो इससे हम लोगों को क्या क्लियर होती है डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड सबसे पहली बात क्या है कि अलग अलग लोगों के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं और दूसरा क्या है कि एक जन के लिए जो डेवलपमेंट है वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए वो भी डेवलपमेंट हो हो सकता है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी इन द फिगर ये जो रिच पर्सन है ये कार में चला जा रहा है और धुआं छोड़ता हुआ गाड़ी से और जो सड़क के किनारे पुअर वुमन बैठी है वो क्या है उसको पोल्यूशन पोल्यूशन से वो परेशान हो रही है उसके धुएं से इनकम एंड अदर गोल्स तो डेवलपमेंट को हम मान सकते हैं कि बेटर इनकम तो क्या है If you go over to table one point one again, you will notice one common thing. What people desire are regular work. तो लोग क्या चाहते हैं कि regular work, better wages, decent price for द crops कि वो जो फसल उगाएं उसका अच्छा उनको price मिले जब वो market में बेचने जाए तो in other words, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं income, पैसा कमाना besides seeking more income। तो income के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आदमी चाहता है क्या पीपल्स ऑल्सो सी थिंगस लाइक इक्ल ट्रीटमेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर कोई नौकर आता है तो आप उससे बैडली बात ना करें डोंट स्पीक रूडली उससे अच्छे से बात करें फ्रीडम सिक्योरिटी सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन तो लोग जो हैं भेदभाव से दूर भागना चाहते हैं दे दे रिजेंट इट All these are important goals. In fact, some case in some cases these may be important than more income. तो कई cases में तो ये more income से ज़्यादा important है और मोर consumption बिकॉज मटीरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड क्योंकि सिर्फ मटीरियल गुड्स से ज़िंदगी नहीं चलती है आपको बेटर हवा चाहिए है जीने के लिए सिक्योरिटी चाहिए है फ्रेंडशिप चाहिए है तो मनी और मटीरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय इज़ वन फैक्टर ऑन विच लाइफ डिपेंड्स तो पैसा तो एक पहलू है जिस पे आपकी ज़िंदगी डिपेंड करती है बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉट नॉन मटीरियल थिंग्स अब इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन थिंक ऑफ रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप सोचो कि आपके फ्रेंड्स आपकी, आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं तो यू मे डिज़ायर द फ्रेंडशिप तो आप चाहते हैं कि आपको दो चार अच्छे दोस्त आपके हों

कंसिडर अनदर एग्जाम्पल कि अगर आप ब, जब आप बड़े हो जाएंगे इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार काफ़ी दूर पे ऐसे इलाके में मिल जाए आपको काम जहाँ जो आतंकवादी इलाका है तो बिफोर एक्सेप्टिंग इट तुम बहुत से फैक्टर्स कंसिडर करना चाहोगे क्या आपको बहुत अच्छी इनकम मिल रही है वहाँ बहुत अच्छा पैसा आपको गोवमेंट दे रही है या जो आपको कंपनी में लगा है काम अपार्ट फ्राम इनकम इनकम के अलावा आप क्या फैसलिटीज़ देखेंगे फैसिलिटीज़ फ़ॉर योर फैमिली वर्किंग एटमोसफियर अपॉर्चुनिटी टू लर्न क्या बच्चों के स्कूल हैं वहाँ पे, क्या वहाँ पे काम करने का एटमॉसफियर है क्या फैमिली एटमोसफियर है वहाँ आपकी फैमिली आराम से रह सकती है सुरक्षा में अनदर केस देखिए एक जॉब जो है मे लेस पे यू लेस कि थोड़ा सा आपको कम मिले लेकिन आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिले और आपको साथ में सिक्योरिटी भी मिले अनदर जॉब हवे में ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एक और तीसरा जॉब हो सकता है आपको बहुत अच्छा पे कर रहे हो लेकिन आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं किसी भी टाइम वो कह सकते हैं कि आप काम छोड़ दीजिए या आप इतना काम वो लेते हो कि आपके पास कोई फैमिली के लिए टाइम ही ना मिले दिस विल रिड्यूज़ योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट इसी तरह डेवलपमेंट के लिए लोग क्या देखते हैं मिक्स गोल्स क्या कह देखते हैं इट इस ट्रू दैट इफ वमेन आर एंगेज इन पेड वर्क कि यह बिल्कुल ट्रू है कि अगर वूमेन जो है घर की कहीं बाहर वर्क करने जा रही हैं तो साथ, -साथ उनको हाउस होल्ड में भी उनकी सोसाइटी में सोसाइटी में और हाउस होल्ड में उनकी डिग्निटी बढ़े उनका सम्मान बढ़े हाव इट इज़ द केस ऑल्सो द केस इफ़ देर इज़ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन दे वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड तो अगर उनका रिस्पेक्ट होगा तो हाउस होल्ड वर्क में भी हर व्यक्ति उनका हाथ बटाना चाहेगा क्योंकि वो बाहर भी करती हैं और घर में भी काम करती हैं ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट अगर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा वुमेन वैरायटी ऑफ जॉब्स कर सकेंगी अपने घर में या बाहर हैज डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ सो चिल्ड्रन नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हमारी देश की प्रगति में तो एज वी हैव सीन अबाउट इंडिविजुअल्स seek डिफरेंट गोल्स कि इंडिविजुअल्स जो है अलग अलग इंडिविजुअल्स के गोल होते हैं लेकिन उनका नेशन नेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या विचार है फॉर एग्जाम्पल इंडिया मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड डिफरेंट स्टूडेंट्स इन क्लास हैव डिफरेंट आंसर्स तो अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग आंसर्स इन फैक्ट यू माइट थिंक फॉर योर सेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर्स इट इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट पीपल्स कूड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑल द आइडियाज भी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट और इफ देर आर कॉन्फ्लिक्ट हाउ डजन डिसाइड तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स क्या हो सकती है बेटर वे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज को फायदा हो और हमें भी नेशनल नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस अब देखिए नेक्स्ट हियर इज अ स्मॉल एग्जाम्पल कमिंग आप सी जो कलर्ड बॉक्सिस होते हैं यू हैव टू रीड दैम ऑल्सो वेरी नाइसली यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है अभी पिक्चर दिखाएंगे साथ में एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट आई है कि एक वेसल ने डम्प फाइव हंड्रेड टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इन टू ओपन एयर डम्स इन अटी एंड इन द सराउंडिंग्स मतलब उसने टॉक्सिक वेस्ट जो हैं वो नदी के किनार नदी में और और जो ओपन एरिया था सिटी का उसमें डाल दिया दिस हैपेंड इन अ सिटी कॉल अभी जान इन आइवरी कोस्ट आइवरी कोस्ट पे एक सिटी है उसमें कहाँ है ये कंट्री ऑफ अफ्रीका तो इन्होंने ऐसा क्यों किया द क्यों क्योंकि एक लोकल कंपनी से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और लोकल कंपनी ने मल्टीनेशनल कंपनी ने लोकल कंपनी को कुछ पैसे वैसे दे दिए कि हमारा ये जो वेस्ट है ये कहीं डंप करवा दो तो जो जो फ्यूम्स थी वो बहुत टॉक्सिक ये हाईली टॉक्सिक थी उस वेस्ट से जिससे वहाँ किनारे रहने वालों को नौशिया स्किन रैशेज़ फेंटिंग डायरिया एट्सेट्रा हुआ और एक मंथ बाद सेवन परसेंस वर डेड ट्वेंटी हॉस्पिटल में थे और ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड जो है वो सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग के लिए ट्रीट किए गए तो ये मल्टीनेशनल मल्टी नेशनल कंपनी जो पेट्रोलियम में डील कर रही थी और मेटल्स में इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बहुत से लोगों की जान खतरे में डाल दी तो वो उनके लिए डेवलपमेंट था लेकिन इतने ढेर सारे लोगों के लिए जहाँ वेस्ट डंप किया गया वो उनके लिए जान पे बनाई थी इट वॉज़ वेरी हार्मफुल फेटल टू दर हेल्थ तो यही आपको ये फिगर दिखाई दे रही है उसी की ये फिगर दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ये जो लोग हैं इनको कितना नुकसान हुआ अब ये ये यहाँ बॉक्स में क्या कह रहा है कि इवन इफ द आइडिया अबाउट कॉन्स्टिट्यूश डेवलपमेंट कैन बी वेरिड एंड देन सर्टेनली दे कैन बी डिफरेंसेस अबाउट वेज ऑफ डेवलपिंग तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ हैं कि डेवलपमेंट की हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स कि वहाँ कैसे डेवलपमेंट है यू माइट आस इफ डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग्स हाउ कैन सम कंट्रीज आर जनरली कॉल डेवलप्ड और कुछ अंडर डेवलप्ड कहलाती हैं ये हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें वेन वी कम्पेयर डिफरेंट थिंग्स दे कोड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेज तो हम कौन से एस्पेक्ट लें उनको कंपेयर करने के लिए हम अपने एक एग्जाम्पल अपने क्लास का ले सकते हैं सबसे पहले कि अगर हम स्टूडेंट्स अंदर क्लास को कंपेयर करें तो किस बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं हाइट पे हेल्थ पे टैलेंट्स पे या इंटरेस्ट पे जरूरी नहीं कि जो हेल्थियस्ट स्टूडेंट हो वो सबसे स्टूडियस हो हो सकता है एक मोटा सा बच्चा हो लेकिन दिमाग से बिल्कुल कुंद हो, हो सकता है सबसे इंटेलिजेंट बच्चा हो वो फ्रेंडली ना हो किसी से मे नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन वी यूज डिफरेंट क्राइटीरिया टू चूज स्पोर्ट्स टीम डिबेट टीम म्यूजिक टीम टीम टू ऑर्गेनाइज पिकनिक यूजअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर डेम ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफकोर्स दे कैन बी डिफरेंसिस तो डेवलपमेंट जो है अब हम कंट्रीज पे आते हैं कि कंट्रीज के लिए डेवलपमेंट कैसे हम कौन से एट्रीब्यूट्स हो, हो सकते हैं कौन सी क्वालिटीज़ हो सकती हैं फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज़ देर इनकम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इनकम तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ही कंट्रीज़ विथ हायर इनकम आर कंसिडर्ड मोर डेवलप्ड विथ लेस इनकम विथ कंट्रीज विच हैव less income. This is based on understanding more income means more of things that human beings need. to तो अब आप ये ऐसे समझ लीजिए कि हमारे देश में अगर कोई पर्सन कार ख़रीदता है इफ़ एनी वर्दी बाइज अ कार तो उसके लिए वो एक लग्जरी होती है लेकिन अमेरिका में जो कार हैं वो लोग अपने बच्चों को गिफ्ट में देते हैं इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर देम तो दोनों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मीनिंग है सो नाओ वॉट इज़ इनकम ऑफ अ कंट्री हम इनकम ऑफ अ कंट्री कैसे नापेंगे इन द इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेस्टेंट ऑफ अ कंट्री इससे हमको टोटल इनकम ऑफ द कंट्री मिलती है अब इसको भी हम कैसे नापेंगे एवरेज इनकम हव फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट टोटल इनकम भी बहुत यूजअल मेजर यूजफुल मेजर नहीं है सिंस कंट्रीज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग पॉपुलेशन होती हैं तो इसलिए टोटल इनकम हमको एवरेज पर्सन क्या ऑन करता है ये नहीं बता सकती तब भी हम एवरेज इनकम कैसे देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे देश में एक करोड़ लोग हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो उन एक करोड़ में कुछ कुछ लोग जो हैं बहुत हाई इनकम ग्रुप के होंगे ट्वेंटी परसेंट जो एक, एक महीने में टू लैक्स तक कमाते हों दूसरे कुछ लोग होंगे जो पचास सरा कमाते होंगे एक महीने में कुछ लोग होंगे जो थर्टी थाउजेंड ही कमाते होंगे वन मंथ में और कुछ लोग होंगे जो केवल थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड कमाते होंगे और कुछ लोग होंगे जो टोटली अनएम्प्लॉयड होंगे एटीन ईयर्स के ऊपर बट अनएम्प्लॉयड कुछ लोग होंगे जो सेवेंटी एट्टी ईयर्स से सेवेंटी सेवेंटी फाइव ईयर्स से ऊपर के होंगे जो काम तो एक समय करते थे बट नॉट नाउ ड्यू टू दे वीक हेल्थ hence वी कंपेयर एवरेज इनकम विच is टोटल इनकम ऑफ a कंट्री डिवाइडेड by इट्स टोटल population the एवरेज इनकम is also called पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम तो वर्ल्ड रिपोर्ट हमारी क्या कहती है वर्ल्ड रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक उन्होंने क्राइटेरिया लिया है यही इनकम वाला क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम का लिया है और क्या कहते हैं देखो कौन से डेवलप्ड कंट्रीज हैं कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यू एस डॉलर ट्वेल्व थाउजेंड जीरो फाइव सिक्स पर एनम एंड अबव इन टू थाउजेंड सेवेंटीन ये कहलाती हैं रिच या डेवलप्ड कंट्रीज दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यू एस डॉलर नाइन फिफ्टी फाइव और लेस आर कॉल नो इनकम कंट्रीज इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम

देखो कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर इसका एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है और वो क्या कह रहे हैं वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज देम और दूसरा कौन सा कंट्री दिखाई दे रहा है कि कंट्री विथ रिच एंड पुअर पीपल एक आदमी चार कुर्सियों पे लेटा हुआ है और चार आदमी दो कुर्सियों पे बैठे हैं मुश्किल से तो वो क्या कह रहे हैं पुअर वी मेड द चेयर्स एंड ही टुक दैम

बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स तो केवल हमको इनकम नहीं सोचना है और भी बातें हमको और भी एट्रीब्यूट सोचने हैं कि क्या हो सकता है क्राइटेरिया कंपैरिजन uh, का व्हाट एट्रीब्यूट व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट बी लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जांपल वन पॉइंट थ्री तो so, 1.3 में पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा केरला एंड बिहार दिख रही है एक्चुअली दिस फिगर्स आर पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइसेस लेट अस इग्नोर रफली वी कैन टेक इट टू बी बेटर टू बी पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट आप देखो ये टेबल हम साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि हरियाणा केरला एंड बिहार तो पर कैपिटा इनकम हरियाणा में वन लाख सिक्सटी टू थाउजेंड एंड थर्टी फोर है केरला में वन लाख फोर्टी थाउजेंड वन नाइन्टी है और बिहार में थर्टी वन थाउजेंड फोर फिफ्टी फ़ोर है तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा इज़ द रिचेस्ट वन क्योंकि प्रति व्यक्ति आई वहाँ प्रति व्यक्ति आए जो है या पर कैपिटा इनकम कितनी है टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन की बात हो रही है रुपीज़ में वन लाख सिक्सटी टू थाउजेंड एंड थर्टी फ़ोर अब एक और अगर हम टेबल देखें तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हरियाणा केरला और बिहार का सबसे पहले इन्फेंट मोटालिटी रेट मतलब वन थाउजेंड लाइव वर्स पे वन थाउजेंड जो बच्चे पैदा हुए जो जिंदा रहे उसमें से कितने मरे तो हरियाणा में क्या दिखाई दे रहा है थर्टी थ्री पर थाउजेंड मरे केरला में टेन और बिहार में थर्टी एट तो इस मामले में केरला सबसे आगे है और हरियाणा सेकेंड और बिहार थर्ड नंबर पर दूसरे कॉलम को देखते हैं लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो केरला में नाइन्टी फोर है सेकेंड नंबर पे हरियाणा और तीसरे नंबर पे बिहार है देन हम अगर तीसरा कॉलम देखें ये नेट अटेंडेंस रेशियो पर हंड्रेड परसेंस सेकेंडरी स्टेज पे मतलब चौदह से पंद्रह साल के बच्चे जो हैं वो कितने स्कूल गए कितने बच्चे तो एट्टी थ्री गए केरला में सिक्सटी वन गए हरियाणा में पर हंड्रेड परसेंट और फोर्टी थ्री गए बिहार में तो हर मामले में बिहार सबसे नीचे है किसी किसी केस में आ, केरला आगे है और किसी केस में हरियाणा आगे है तो इसी तरह से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझते हैं वो द स्टेबल शो ये स्टेबल से हमको क्या पता लगता है क्या समझ में आता है The first column of the table shows that in Kerala out of thousand children born, 12 died before completing one year of age. But in Haryana, the proportion of children dying within one year of the birth was 36. So, which is 2 times more than that of Kerala? So, same thing is written here. So you can read it. And here also, same thing explained. जस्ट गो थ्रू इट वेरी नाइसली लुकिंग एट द टेबल वेरी क्लियरली देन पब्लिक फैसिलिटीज अब पब्लिक फैसिलिटीज मतलब कि आपको सरकार कौन सी फैसिलिटीज दे रही है हाउ इज इट दैट एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन एवरेज पर्सन इन और केरला उससे पीछे है द रीज़न इज मनी इन योर पॉकेट कैनोट बाई ऑल गोव्ड एंड सर्विसज दैट यू नीड टू लिव वेल सो इनकम इट सेल्फ इज नॉट कम्प्लीटली एडोकेट इंडिकेटर ऑफ मटीरियल गोर्ड एंड सर्विसज तो केवल मनी या इनकम हमको एक इंडिकेटर नहीं है कि आप बेटर हैं फॉर एग्जाम्पल योर मनी कैनोट बाय पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट या कोई जरूरी नहीं कि आप आपको मेडिसिन मिल रही हैं मनी ऑल्सो कैनॉट ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्राम इन्फेक्शस डिजीजेज अनलेस द होल ऑफ़ योर कम्यूनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आज कल हम लोग देख सकते हैं कि कोरोना जो है कोरोना वायरस जो फैल रहा है इ ऑफ़ रिच और पुअर ये कहीं भी फैल रहा है तो ये हम क्या देख सकते हैं कि मनी मनी से ही हर चीज़ नहीं हम बाय कर सकते हैं क्या मनी जिसके पास ज़्यादा है उसको कोरोना नहीं हो सकता ऐसा नहीं है एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ आस मेनी ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो इज द चीपेस्ट वे टू प्रोवाइड दीज थिंग्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली जस्ट थिंक विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन what if no one uh, other than you in your village or locality are interested in studying? <clears throat> even now in many areas children particularly girls are not able to go to high school because government or society जो है कई घर नहीं चाहत घर parents नहीं चाहते कि girls अच्छे school में जाएं या fifth class के बाद पढ़ें तो अभी भी ये discrimination है girls और boys में या government के पास गर्ल्स के लिए हाई स्कूल से ज़्यादा स्कूल नहीं है नाउ लेट लेट अस लुक वी मस्ट फिनिश द टॉपिक केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडुकेट प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ तो वहाँ पे इसलिए लो इन्फेंट मोटेलिटी रेट मतलब पर थाउजेंड बच्चों में जो जिनका जन्म हुआ है एक साल के अंदर बहुत कम रेट है मरने की क्यों क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ऑफ केरला ने बहुत बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ माएँ जो हैं जो मदर्स हैं दे आर एजुकेटेड तो उनको समझ में आता है कि बच्चों को हम कैले कैसे पालेपो से सिमिलरली इन स्टेट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट ने वहाँ पब्लिक हर स्टेट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है लेकिन कहीं पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है तो और कहीं पे भ्रष्टाचार बहुत कम जैसे आंध्र प्रदेश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा फंक्शन करता है लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं करता है Health and nutritional status of people of such states is certainly likely to be better. Study this table given, given here 1.5 and try to try to study it and try to fill this all these, try to fill all these. We will study this twelfth page in our next lesson.